प्रदेश शासन में सहयोगी ईमानदार निष्पक्ष पत्रकारों के साथ अनेकों प्रकार की मारपीट और हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें अब तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद। राजगढ़ के सारंगपुर में पत्रकार सलमान अली की उनके मासूम बच्चे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी ओर गुना में पत्रकार हेमराज जाटव के साथ खुलेआम मारपीट की गई। इन घटनाओं से आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा देने एवं सारंगपुर में दिवंगत पत्रकार सलमान अली के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने के लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ लटेरी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये निवेदन किया गया है कि बीते कुछ समय से देश एवं प्रदेश के अनेक स्थानों पर शासन के सहयोगी निष्पक्ष पत्रकारों पर हमलों की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, जिसमें ताज़ा मामला राजगढ़ के सारंगपुर जिले का है, जहाँ युवा समाजसेवी पत्रकार सलमान अली को उनके 9 साल के मासूम बेटे के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी, उन्हें फांसी की सजा दी जाए तथा गुना के पत्रकार साथी हेमराज यादव के साथ खुलेआम मारपीट करने वालों को भी उम्र कैद दी जाए तथा इसमें जो भी षड्यंत्रकारी दबंग शामिल हैं उन्हें भी उम्र कैद की सजा दी जाए। पत्रकारों के विरुद्ध इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं से पत्रकारों में भय का माहौल है। इस हालात में पत्रकार शासन प्रशासन का सहयोग किस प्रकार से कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए शासन को पत्रकारों की रक्षा हेतु जल्द सख्त कानून बनाकर उसे लागू करना चाहिए और कभी किसी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किसी ईमानदार पत्रकार के विरुद्ध की गई शिकायत को भी बिना जिला उच्च अधिकारी के जाँच के पंजीबद्ध न करने की मांग भी इस ज्ञापन में की गई। लटेरी से ग्राउंड रिपोर्टर जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट। जिले में श्रमजीवी के पदाधिकारी भी रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों का आपको जो है पत्रकारिता का अनुभव है। मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल से मैं श्रमजीवी से ही जुड़ा हूँ। पहले लोकल वाडी में रहा, फिर जिले में हूँ। तो पत्रकारों पर जो जगह जगह आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, निष्पक्ष रूप से काम करने वाले पत्रकारों को काम नहीं करने दिया जाता, तो इस विषय में पत्रकारों के लिए आप जो कानून मांग रहे हैं उस पर शासन प्रशासन की क्या सहमति है? अभी देखो, मामला शासन के पास जाएगा, शासन उसको देखेगा, तो उसके लिए ज़रूर कानून बनेगा। मुझे भरोसा है मोहन सरकार जरूर ये काम करेगी। हमले हो रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में निरंतर ये घटनाएं घट रही हैं। पत्रकारों के कहीं कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं जो है झूठी शिकायत हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। इस विषय को लेकर जो ना तो घोर निंदा करते हैं श्रमजीवी पत्रकार संघ, जो ना घोर निंदा करता है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे ताज़ा मामला है राजगढ़ जिले का, नरसिंहपुर तहसील का, यहाँ पे पत्रकार की गोली मार कर हत्या कर दी गई है, जो वो हमें इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसके आरोपियों को जो है ना फांसी सजा होना चाहिए और कम से कम परिवार की सहायता राशि 50 लाख होना चाहिए। ठीक है। और इसी प्रकार गुना जिले में भी एक मारपीट हुई है हेमराज जाटव जी के साथ, उस पर भी जगह जगह ज्ञापन हो रहे हैं। जी हाँ, वो भी जो ना अच्छा नहीं हुआ। वो पत्रकार साथ इस तरह की घटना जो हो रही हैं निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा इसकी अभी पत्रकारों को अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन पत्रकारों की ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि यहाँ कोई घटना हो गई या पूरे प्रदेश में जो घटनाएं चल रही हैं उसके लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है। और पत्रकार प्रोटेक्शन एक लागू करने की भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है। इसके साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन किया है कि पत्रकार एक्ट, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए। सर, लटेरी श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा सारंगपुर में हुई हत्या, पत्रकार साथी की हुई हत्या और गुना में एक मारपीट की जो घटना हुई है उसके खिलाफ कोई आवेदन आपको दिए गए हैं, क्या कुछ मामला है थोड़ा बताएं। जिला राजगढ़ के सारंगपुर में घटित पत्रकार की बंदी की जो हत्या है उसके प्रकरण में गुना के संबंध में जो पत्रकार के साथ में घटना घटित हुई है उसके संबंध में यहाँ स्थानीय संघीय पत्रकार संघ लटेरी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री को सूचित किया गया है। सर, क्या क्या मांगें की गई हैं ज्ञापन के द्वारा ये पत्रकारों को? ज्ञापन में जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उन्हें सुरक्षा और जो सारंगपुर में घटित घटना है उसमें उनके परिवार को मुआवजे की अपेक्षा की गई। ठीक है सर।